हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बोले आज हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और लास्ट सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम देखमा बिले हला। तो ये सिंड्रोम भी तार कोई परमा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और तार जन नंबर अच्छे भेरी करूचे। तो पहला देखे दूँ कहना है जे टर्नर सिंड्रोम। हेनरी टर्नर फास्ट डेस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम इन 1938। तो जहाँ नाती हेसी बोले जे साइंटिस्ट बार कहे तार ना थी सिंड्रोम हेसी हेटा है जेनता तुम डाउन सिंड्रोम हो कि क्लीन फैक्टर सिंड्रोम हो हला। तो ई सिंड्रोम रो मीन स्पेशलिस्ट का ना देखमा मीन्स ई सिंड्रोम क्या हेला जे हेसी यार कैन एब नॉर्मल लगी हेसी देखमा। तो इन कहे देख टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय इन मिसिंग और इनकम्प्लीट एक्स क्रोमोजोम इन फीमेल। तो इन कण कहला इजन सिंड्रोम टा कैंथ लगी है उचे मिसिंग और इनकम्प्लीट इन एक्स क्रोमोजोम। तो मिसिंग बेले काना माइनस हिसाब रे चलबो इनो एडिशन होचे कि डिलीटेशन होचे। मिसिंग बेले ऑब्वियसली डिलीटेशन होचे पिले। तो डिलीटेशन इन कोई परमा एक्स क्रोमोजोम इन फीमेल मेंशन कराई छे काना बोली करी फीमेल बोली करी ए जिनिसटा भी ध्यान देबो पिले। तो इ सिंड्रोम टा मेनली कहां नु हैसी फीमेल नु जेनता देख केनटा कहानू होचे हेटा भी जानबार इम्पोर्टेंट पिले वन मानली इम्पोर्टेंट है जेनता क्लीन फैक्टरटा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम एड ही जाऊला किंतु सेटा कहानू देखा जाऊला ओनली मेल हला आय कि ना हेनु क्रोमोजोम एक्स टे एड होतला इनु एक्स टे डिलीट होचे ओ मिसिंग होचे बट हेटा कहानू देखा जाऊला सेनु तार जेनोटाइप कण थिला एक्स एक्स वाई थिला बेले हेटा मेल नु देखा जिबा आईटा एबसेंट है जेनता कि तार क्रोमोजोम रो स्ट्रक्चर और तांकर कही पार्मा जेनोटाइप देखमा बेले इटा है मीन्स ऑटोजोम नॉर्मल रहेबा 44 ऑटोजोम प्लस एक्स ओ ओ बेले काना एक्स डेस पिले सोर करो आमे सेक्स डिटर्मिनेशन नु जेते बेले पढ़ूला जेन क्रोमोजोम टे एबसेंट थिला बेले ताके आमे ओ और जीरो नाथी रिप्रेजेंट कोथला नंबर हिसाब रे जीरो किंतु अल्फाबेट हिसाब रे ताके ओ कोथला। तो टोटल आमर केतेटा क्रोमोजोम रहसी डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म रे 46 टा बट जदी गुटे एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट निगला बले हेता 45 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हे जिबा ई जिनिसटा शो करबो। टर्नर सॉरी डाउन सिंड्रोम रे 47 थिला क्रोमोजोम नंबर बल्ला क्लीन फैक्टर सिंड्रोम रे भी क्रोमोजोम नंबर बल्ला बट तुम टर्नर सिंड्रोम रे क्रोमोजोम नंबर कमी जाउछे गुटे क्रोमोजोम कमी जाउछे हेती ले इता के कहा जैसी मोनोजोमी एक्स मोनोजोमी बोले गुटे क्रोमो आमर क्रोमोजोम प्यार हिसाब रे रहसी जुजुड़े ही करी। तो इता के डाइजोमी कहा जैसी बट गुटे क्रोमोजोम जदि रहला से ताके मोनोजोमी कहा जाउछे। तो ई मोनोजोमी टा केन क्रोमोजोम रे होउछे एक्स क्रोमोजोम रे होउछे हेती लागि मोनोजोमी एक्स बोली कहा जैसी। देख तुमर डाउन सिंड्रोम रो ना थिला 21 ट्राइजोमी बोले जानबो एटा डाउन सिंड्रोम बट जदि मोनोजोमी एक्स कहला बेले जानबो क्लीन फैक्टर सिंड्रोम ई जिनिसटा सोर करबो पिले क्वेश्चन उन्या दे कि टर्नर सिंड्रोम काना बोली करी मोनोजोमी एक्स सिंड्रोम बेले काना बेले बुझी जेबार कथा कि टर्नर सिंड्रोम पचरी छि ई जिनिसटा तमे ध्यान देबो। तो ई जन मोनोजोमी अछि केनता हेबा देखो पिले गुटे मैं तुमको डायग्रामेटिकली बते दउछे इटा आमे तो काटी सालानो 21 ट्राइजोमी केनता हेसी क्लीन फैक्टर सिंड्रोम काना हेसी इटा होचे तमर काना सेक्स क्रोमोजोम बाकी 22 पेयर टा काना होचे ऑटोजोम अछे। बट जदी गुटे जदी देखमा ई डायग्राम रे देखमा इटा गुटे तमर सेल है इटा सब ऑटोजोम है मैं फेतरे ड्र ना करे टाइम वेस्ट हवा मुई का करूचे सेक्स क्रोमोजोम काटूचे। तो जो सेक्स क्रोमोजोम फीमेल रे एक्स एक्स हेबार कथा मेल रे एक्स वाई हेबार कथा बट टर्नर सिंड्रोम जहाँ कि हितबा पिले हला टर्नर सिंड्रोम जहाँ कि हितबा काण हेबा गुटे एक्स क्रोमोजोम थिबा तार संगे गुटे एक्स हेबार कथा फीमेल केस रे बट इनु काण हेबा गुटे क्रोमोजोम टा एब्सेंट हिजबा पिले हला एब्सेंस गले से सिंड्रोम के कहा जासी टर्नर सिंड्रोम। तो इनो जदि देखमा क्रोमोजोम हला तो 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम अछि बोले 44 ऑटोजोम प्लस इनो एक्स क्रोमोजोम अछि एक्स लिखि पारो एत की है 44 ऑटोजोम प्लस एक्स मीनू ओ कहले जे लिखली
मीन्स इनु गुटे क्रोमोजोम नैनो पेयर हिसाब रे नैनो ऑन पेयर अछि पली और सिंगल अछि तो जदि गुटे क्रोमोजोम इनु सिंगल रहला हला इटा काना सिंगल रहला कि नै गुटे क्रोमोजोम पूरा एब्सेंट अछि गुटे क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम खाली अछि ओनली सिंगल एक्स क्रोमोजोम तो इ जन टोटल स्ट्रक्चर के इटा के मोनोजोमी कह जाय से मोनो बेले सिंगल जोमी मीन यूनाइटेड बोले सिंगल क्रोमोजोम अछि तो ये मोनोजोमीटा ऑटोजोम रे अछि बेन ना सेक्स क्रोमोजोम रे अछि मेनली केन सेक्स क्रोमोजोम एक्स तो इटा के मोनोजोमी एक्स कह जाय से पले सोर रखी तो मोनोजोमी एक्स बोले टर्नर सिंड्रोम हला मोनोजोमी एक्स रो आउ भी बहुत डिजीज अछि हला एंता ने कि खाली मोनोजोमी एक्स टा टर्नर किंतु तमे तमर कोर्स रे जते अछि तमे जानि जेबार कथा मोनोजोमी एक्स बोले टर्नर सिंड्रोम के बुझो छी हला नेक्स्ट जदि देखमा हला तापरे जदि कोइ छी देखमा इट इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोजोम इन फीमेल तो ई डिजीज टा मेनली काना कहू छी गुटे एक्स क्रोमोजोम टा फीमेल नो एब्सेंट हे गले ई डिजीज टा हेसी हला गुटे फीमेल रे सेक्स क्रोमोजोम काना थिसि जुड़े थिसि एक्स एक्स थिसि तो इटा के नॉर्मल फीमेल कहू छु आमे बट गोटे फिमेल जदि एक्स क्रोमोजोम टे पूरा एब्सेंट हो गला आर सिंगल एक्स क्रोमोजोम हो गला ताके आमे कहमा टर्नर सिंड्रोम हला नेक्स्ट इटा केनता हेसी तापरे देखमा पले व्हेन एन एबनॉर्मल ओवम विदाउट एक्स क्रोमोजोम एबनॉर्मल बोले विदाउट एक्स क्रोमोजोम यूनाइट और यूनाइटेड विथ नॉर्मल स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोजोम तो काण कहला देख जदि डायग्रामेटिकली बुझमा गुटे काण कहला एबनॉर्मल ओवम देखो स्पर्म आर ओवम रे इटा के क्वेश्चन स्पर्म आर ओवम जुड़े फॉर्म काटली नॉर्मल कंडीशन रे देखो काना काना होचे आर एबनॉर्मल रे काना काना होचे हला तो स्पर्म पाखे जुड़े सेक्स क्रोमोसोम एक्स आर वाई जुड़े थिसि कि ने आइदर एक्स थिबा ने आले वाई थिबा तो जेन स्पर्म पाखे एक्स क्रोमोजोम थिबा हला बट ओवम पाखे ओनली एक्स क्रोमोजोम थीसी आ कि ना ओनली एक्स क्रोमोजोम थीसी बट तांको सेल डिवीजन टाइम रे हला एबनॉर्मलिटीज देखा देला आ गुटे ओवम रे एक्स क्रोमोजोम थिबार कथा इ जागा नु प्रेजेंट नै रहला तो सपोज इ स्पर्म टा फर्टिलाइज्ड कला इ ओवम संगे तो तार प्रोडक्ट टा काना हेबा तार प्रोडक्ट टा काना हि जेबा एक्सो हि जेबा इटा गुटे कंडीशन मींस नॉर्मल ब्लू टा मी नॉर्मल रिप्रेजेंट करू छे आ रेड टा के एबनॉर्मल तो नॉर्मल स्पर्म गुटे एबनॉर्मल ओवम के फर्टिलाइज करले भी तमर काने टर्नर हेबा और कोइ छी और ए नॉर्मल ओवम हैविंग एक्स क्रोमोजोम एक्स बेले एक्स क्रोमोजोम के बुझो पिले पूरा ना लिखी बुझबार लगी इनु लिखी छें दुई थोर बोली करी नॉर्मल ओवम एक्स फ्यूज विथ एन एबनॉर्मल स्पर्म विदाउट एक्स क्रोमोजोम फीमेल ए फीमेल इज फॉर्म्ड हैविंग 45 ऑटोजोम तो इनु कहला कि तमर ओवमटा नॉर्मल है मींस एक्स क्रोमोजोम अछि बट जन स्पर्मटा तानु एक्स क्रोमोजोम धरि करे आइबार कथा सेटा एबनॉर्मल ही छि मींस सेटा नै न तो सेटा भी जदि फर्टिलाइज्ड करबा बले काना हेबा एक्सो हेबा एक्सो बले काना देन 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहबार कथा इंस्टेड ऑफ 46 इज बिकम 45 क्रोमोजोम आ 45 क्रोमोजोम हला मींस मेनली केन क्रोमोजोम रे इफेक्ट को ऑटोजोम नै मेनली सेक्स क्रोमोजोम एक्सो रे तो हेटा जानबो टर्नर सिंड्रोम बुझे पारु छ कि नै इटा से डिजीज हबा टर्नर सिंड्रोम हला तो यहाँ ने जानबार अछि इ जेन एबनॉर्मल स्पर्म हला किंबा एबनॉर्मल ओवम हला किंबा एबनॉर्मल इ जर्म सेल जेन हला इटा के हला जेसे हला तार ओरिजिन काने देखु काने तार ओरिजिन देखो ओरिजिन ऑफ टर्नर सिंड्रोम जेंता ओरिजिन ऑफ क्लिनफेल्टर थिला इटा भी तार ओरिजिन हेंता एन एरर इन सेल डिवीजन कॉल नॉन डिसजंक्शन कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्टिव सेल्स विथ एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हला तो इ जेन डिजीज टा काना होचे अगेन से नॉन डिसजंक्शन पिले नॉन डिसजंक्शन बोले काना नॉन सेपरेशन इटा मुई पूरा डिस्क्राइब ना करबा कहला जे डाउन सिंड्रोम रे पूरा डिस्क्राइब कराई छे नॉन डिसजंक्शन ए इ डायग्राम के सब बोले बुझुतबो इनु खाली 21 ट्राइसोमी हला मींस क्रोमोजोम नंबर बढ़ी गला कमी गला इ कंडीशन के देखो
ए देख इन गोटे क्रोमोजोमटे बढ़ी गला इन गोटे क्रोमोजोमटे कमी गला तो ये जेन 22 क्रोमोजोम अच्छे मीन्स गोटे क्रोमोजोम और गोटे एक्स क्रोमोजोम बिल्कुल एब्सेंट अच्छे आए कि ना से जदि मैं सेक्स क्रोमोजोम के नेमी बेले मुई ताकि आर्टिके डायग्रामेटिकली बुझे दौचे जानि पकाब सपोज इटा ओभम रो कथा कहू छै ना ओभम नेले भी हेबा स्पर्म नेले भी हेबा सपोज ए देख इनु काण हिचे तमर सपोज क्रोमोजोम हैला मुई काटू छै ड्रॉ करू छै सपोज इटा हो जे तमर नॉर्मल मेटाफेज रे इक्वेटोरियल लाइन रे आले हैला तापरे काण हैला नेक्स्ट रे काण बोथ साइड सेपरेट हवा ई आडे आवर कथा याड़े याड़े सेपरेट करी डिवाइड ही जबार कोता बट सेटा जदी ना हला एब नॉर्मल हला नॉन डिसजंक्शन हला कान हेबा देखो सपोज ई क्रोमोजोम टी अगेन पेयर ही गला हला आई क्रोमोजोम टा सेपरेट ही गला तो इनु कान हला इटा हला टोटल जदी देखमा क्रोमोजोम नंबर जदी तमर अछि केते अछि तमर 46 रो हेबार कोता और हला मींस क्रोमोजोम नंबर आमे गेमेट रे करूचू मियोसिस रे करूचू बोले हाफ रहबार कथा मींस 23 रहबार कथा इनो जदी गुटे क्रोमोजोम टे पले हिचि ई साइड के हला मींस नॉन डिसजंक्शन हिचि नॉन सेपरेशन हिचि तो जेन क्रोमोजोम नंबर ही हिचि तो इटा 24 ही जिबा जो 24 टा तमर केन केन टा हेसी 24 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हेले डाउन सिंड्रोम हेसी भी आ तमर क्लिनफेंटर सिंड्रोम भी हेसी सोर करो जेंदा कि एक्स एक्स आर वाई वाई बते थी लास्ट क्लास रे बट इनु जन गुटे क्रोमोजोम टे एब्सेंट रे गला इतार कथा मुई ना कही तो इनु 23 रो हबार कथा तो तार बदला केते रही एसी 22 रही एसी तो इजन गुटे क्रोमोजोम पूरा एब्सेंट रही गला पिले तो सपोज मुई ताके नी गली एक्स क्रोमोजोम थिला इनु एक्स थिला आइटा एक्स रो हबार कथा किंतु इटा एक्स ना रहला इनु एब्सेंट रहला बेले जीरो रिप्रेजेंट करमी एक्स ओ रिप्रेजेंट करमी तो ये जन सेल टा प्रोड्यूस हबा इस सेल टा सपोज स्पर्म हो किमा गुटे ओभम हो हला तो इता के जेन गुटे नॉर्मल सपोज इटा गुटे काने इटा गुटे ओभम है ओभम विदाउट एक्स क्रोमोजोम हला विदाउट एक्स क्रोमोजोम ओभम किंतु गुटे स्पर्म टे जते बले फर्टिलाइज करबा आउ इस स्पर्म काना रखि देबार कथा एक्स क्रोमोजोम नॉट वाई हेटा भी जानबो पिले से क्रोमोजोम काण रखिथवा एक्स क्रोमोजोम रखिथवा आउ इता के जदी फर्टिलाइज करबा बेले काण हेबा एक्स ओ हि जिबा हला तो इनु जते बेले हि जिबा तार जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्स ओ हि जिबा तो जेन छुआटा ओ बेबीटा डेवलप करबा से टर्नर सिंड्रोम हेबा हला किंबा कोई परमा गुइटा गुटे सपोज स्पर्म धरु तो स्पर्म रे किछि क्रोमोजोम नै न आइ कि नै न खाली ऑटोजोम थिबा सेक्स क्रोमोजोम नै थिबा तो से जदि गुटे नॉर्मल गुटे ओभम के एक्स क्रोमोजोम थबा ओभम के भी फर्टिलाइज करबा बेले अगेन काण हेबा एक्स ओ हि जिवा बुझु छ ना तो से काण हि जिवा टर्नर सिंड्रोम हेबा तो एंटा कंडीशन हेले तमर काण होउछे टर्नर सिंड्रोम होउछे तो मी ए देखो ई केस रे तुमको क्रोमोजोम नंबर बढ़ी तला बेले नॉन डिसजंक्शन बताली ई 22 क्रोमोजोम ने बताली किंतु इता के जदि मी एंदा एरो मार्क देकरी बतामी तो ये नॉन डिसजंक्शन हला इटा कैट सिंड्रोम दवा ई टर्नर सिंड्रोम दवा बट इजन 24 क्रोमोजोम ही गला गुटे क्रोमोजोम नॉन डिसजंक्शन ही करी गला ई जुड़े डिजीज दे पारबा डाउन सिंड्रोम भी दे दबा और 21 ट्राइसोमी अगेन क्लीन फैक्टर भी दे पारबा तो से हिसाब रे बुझबो पिले बुझु छ कि ने नेक्स्ट जदी देखमा काना कहिचे देखो रिजल्ट इन द एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम दिस नॉन डिसजंक्शन कॉजेस मोनोजोमी एक्स अगेन सेटा कण होचे मोनोजोमी एक्स और टर्नर सिंड्रोम होचे हला एटा तो बते सारी छे नेक्स्ट देखमा तांको साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम इतर साइन सिम्पटम्स टिके अलगा थिसि पिले बिफोर बात रो तार सिम्पटम्स जना जासि पिले जे मींस तार डीएनए डायग्नोसिस कराइसि हला तार डीएनए रो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखाइसि हाई टेक्निक द्वारा कराइसि जेंता अल्ट्रासाउंड कराइसि मीन्स बेबी रो डेवलपमेंट नॉर्मल अच्छे कि एबनॉर्मल इटा तुम्हार बिफोर बार्थ रो कथा कहा हूँ बार्थ नहीं तो हेन्ता तो जिते बेले मुझ प्रोसेसटा ना लिखी किंतु है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जानवा लगे डीएनए मैपिंग इटा मैंने बहुत प्रोसेस अच्छे कराएसी मेडिकल टर्म्स मानक प्रोसेस अच्छे हेटा छाड़ी दो किंतु काण एबनॉर्मालिटीज हेसी सेटा जानवा आम साइन एंड सिम्पटम्स
prenatal ultrasound of a baby with Turner syndrome may show the ultrasound jodi karma inu kana show karba heart abnormalities abnormal kidney to jen development huche heart ro and kidney ro eta abnormalities show karba ultrasound re hala at birth kana ta sign and symptoms rahba dekho white or wave like neck e jinish ta show koito wave like neck and low set of ear हला इटा होची तुम्हार मेन तुम्हार फेनोटाइपिक सिंड्रोम काना वाइड और वेब लाइक नेक एंड लो सेट ऑफ ईयर ई जिनिस्टा शोर करी था पिले इटा होची मींस फेनोटाइपिकली मींस तुम्हें गुटे बेबी की एट बात गुटे बेबी के धरबो किमा तार मींस ग्रोइंग एज 5 6 बरस और अप टू द देख इस काना कोई पनवा ई फेनोटाइप टा और एक्सटर्नल फीचर टा शोर देवा वेब लाइक नेट हेति लाइक ताके मुई ग्रीन मार्क करि छे का हाले जे बाकीटा पछे तमे डायग्नोस करि ना पारो किमा चिन्ही ना पारो से सिंड्रोम हे छि कि ना किंतु ई स्ट्रक्चर के देखले जान पारबो हला तो केनता एसी काना एसी देखो यहाने हमर देखो नॉर्मल नेक केनता एंता थिसी इटा नेक है इटा हमर चेस्ट है आइ कि ना मींस टिके हमर नेक रो साइज जना पड़सी बट जेन फीमेल इटा ओनली फीमेल के होचे तो जेन फीमेल के इटा हेतबा तो तार बॉडी रो स्ट्रक्चर नेक केंदा थिबा वेब नेक बेले काना देखो एंता ई स्ट्रक्चर मींस टिके ब्रॉड थिबा पले जेंदा हम नॉर्मल इटा नॉर्मल कंडीशन है नॉर्मल रेंता होचे बट वेब नेक रे लाइक दिस हला तमर चेस्ट संगे कोई परमा नेकटा अटैच हि जितबा नेक्स्ट हला लो सेट ईयर नॉर्मल ईयर केनता होचे हमर एंता थिसी नॉर्मल ईयर नेक्स्ट ई ईयर टा केनता थिबा लाइक दिस हला एंता थिबा मींस एंता कर भी करी जेंता देखो एंता कर भी करी थिसी ना एंता थिसी हमर एंता थिले जदे जानबो एटा एटबा तापरे देखो ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निपल इटा तांकर देखा जेसी तांकर चेस्ट आ ब्रॉड थिसी जेना मैं कहितली नॉर्मल फीमेल रो चेस्ट पर्सन टा काना दिसी तमर नेरो थिसी किंतु हिप्स पर्सन टा मींस जेन कोउचो प्रेगनेंसी लागि हिप्स टा तमर काना दिसी ब्रॉड थिसी सॉरी पिले तमर पावर कट हि गला बले मी इटा हि गला मी बाहर के आइ छे तो ई पॉइंट मांकु मी कहि दउ छन पिले सुनि पको तो हे जिनिस टा हसी हला तो आउ काना कला देखो ब्रॉड चेस्ट विथ वाइडली स्पेस निपल तो निपल रो जेन नॉर्मल स्पेस थिसी द स्पेस नु इतर स्पेस टिके वाइड थिसी नेक्स्ट लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द हेड तो जेंता हमर हेयर लाइन अछे बैक साइड रे और हेयर रो क्वांटिटी जें थिसी नॉर्मल कंडीशन रे फीमेल रे जेंतरे की कहि परमा तांकर काण हेसी हेयर टा लंबा थिसी तो से जिनिस टा एटा प्रेजेंट नै थपिले नेक्स्ट देखो आर्म्स दे टर्न आउटवर्ड एट एल्बो टर्न आउटवर्ड एल्बो बेले देखो नॉर्मली आमर आर्म टा एंता थी से पिले हला इटा फिंगर है एंता 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 काटी देसे बट इटा नॉर्मल कंडीशन किंतु जहा के तमर टर्नर सिंड्रोम इतवा से गाल रो आर्म टा एल्बो टा फ्रंट आड़ खीतबा फ्रंट बेले काना ए देखो पिले हाथ के आके कर देतबा एंता सब बेले हाथ ओप आमे हाथ केनता एंता करसो ना नॉर्मल कंडीशन एंता मींस बेंड थी से आमर हाथ सब बेले बट इमांकर हाटा सबले एंता थिबा फ्रंट आड़ के थिबा बुझी पारु जन एंता फ्रंट आड़ के थिबा एंता तो हे जिनिसटा कहला आर्म्स दे टर्न आउटवर्ड एट द एल्बो एल्बो नु आउटवर्ड नेक्स्ट शॉर्ट फिंगर एंड टॉयज तो फिंगर एंड टॉय रो साइज भी शॉर्ट शॉर्ट थिबा इटा बार टाइम ते जना पडु छे नेक्स्ट हला तम एड चाइल्डहुड टीन एंड एडल्ट रे जेंटा पूरा कॉमन है आरो नॉर्मली ग्रोइंग एज रे सब देखा जैसी हेटा ता सिंड्रोम देखि दियो इनो कुछ स्लो ग्रोथ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर बोले काना लॉस ऑफ ओवेरियन फंक्शन अर्ली ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो मींस बार्थ हेला बेले कहि ना पर बार्थ रो परे परे टिके टिके जंदा चाइल्डहुड और हेबार के जेचे से टाइम रे तार ओवेरीटा नॉन फंक्शनल हिस हला ओवेरीटा काने से नॉन फंक्शनल नेक्स्ट कोमा पेशेंट आर इनफर्टाइल जनरली तो हे जिनिसटा कॉमन है तीनी केस रे कोई परमा सेटा मेल हो किंबा फीमेल हो जानबे हो से माने इनफर्टाइल और स्टेराइल थिसन पिले हला
Next, usually underdeveloped breast consisting mostly of fat. तो इमानकर जदि देखमा डेवलपमेंट रे तो डेवलपमेंट रे जेन ब्रेस्ट रो डेवलपमेंट हेसी एडल्ट हेला तक तो जेन जो ब्रेस्ट रो डेवलपमेंट लागि हमकु एल्वियोली सेल और एल्वियोली जेन टिश्यू जेन कोचो जेन स्ट्रक्चर ऑफ मामारी ग्लैंड सोर करो तो से टाइम रे एल्वियोलर टिश्यू रे तमर मामारी टिश्यू मेनली फंक्शनल फॉर्म रे तसे जेनु मिल्क डिपोजिशन हेसी एंड तापरे ड्यू टू द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन तापरे सेनु मिल्क सिक्रेशन हबा बट से जगानु हेटा एब्सेंट थीसी तो जेन मामारी ग्लैंड थीबा टर्नर सिंड्रोम पेशेंट रो से मानकर केस रे काणबा ओनली फैट थीसी चर्बी जेन कोस ओनली फैट थीबा पिले हैला मींस से एल्वियोली सेल और टिश्यूटा अंडर डेवलप थीसी डेवलप हे नै थे हैला नेक्स्ट काण कोछि अर्ली एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हैला तो मानकर मेंस्ट्रुअल साइकिल टा अर्ली एज रे स्टॉप हि हेसी इन कोइ छि मेंशन कोछि नॉट ड्यू टू प्रेगनेंसी नॉट ड्यू टू प्रेगनेंसी बेले काना आमर जन मी तुमको बतई थिली मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल कंडीशन रे काना हेसी प्रेगनेंसी हला सिम्पटम्स देखाला तो तार परे पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हुए अप टू द बर्थ बर्थ हला परे परे 3-4 मास की 6 मास परे अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हेसी बट इतार केस रे डिजीज टा काना अर्ली स्टेज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल टा स्टॉप होछि नॉट ड्यू टू प्रेगनेंसी बोली मेंशन कराई छि नाले प्रेगनेंसी टाइम रे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बने छि ना तो हेटा मेंशन कराई छि नेक्स्ट काना कहला फेलियर टू बीइंग सेक्सुअल चेंज एक्सपेक्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी तो जेंटा आमे देखो यंग नो एडल्ट लेले हमर बहुत टे सेक्सुअल चेंज हला किंबा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तामर बॉडी रो स्ट्रक्चर चेंज हेसी किने हला चाइल्डहुड नो एडल्ट किंबा टीन हला टीन नो फेर अगेन एडल्ट हमर काना सब स्ट्रक्चर चेंज हेसी बट इन केस ऑफ कोई परमा टर्नर सिंड्रोम से जेन प्यूबर्टी कहा जाउछ चेंजेस कहा जाउछ से चेंजेस टा देखा नै जे हेतकी जो देखा नै जे पिल ई सिम्पटम्स माने शोर करबो आ लास्ट के जेन देखमा हमर चांसेस जेन कहसु हेटा देखि दो टर्नर सिंड्रोम इज नॉट कॉमन की कॉमन नो से रेयर है रेयरेस्ट है अबाउट 1 in 3,000 लाइव फीमेल बर्थ तो कण कहि छै गुटे 3000 जन लाइव फीमेल बर्थ का हला जे कहा जउ छै भी बतामे तो जानी तो मीन 3000 जन फीमेल बर्थ हेबे नॉट मेल जन 3000 जियो हला और कोई परमा फीमेल बर्थ जन हेबे से भीतरु गुटे के टर्नर सिंड्रोम हबार चांस अछि हला तापरे कहि छै इज एप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ ऑल एम्ब्रियोज हैव टर्नर सिंड्रोम तो जदि चांस देखमा इटा तार 1 to 2% एम्ब्रियो जे कि टर्नर सिंड्रोम होउछन तो बाकी जन 99% रही गला कान हैसी देखो बट 99% ऑफ दिस मिसकेरी यूजुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो कान हैसी देखो ए देखो चांसेस काना है 3000 नु गुटे हेबाटा हला गुटे काना तमो टर्नर सिंड्रोम बट इज जन वन टा बर्थ हेले सने तमो टर्नर सिंड्रोम हेबा ना बट 99% चांस रे और केसेस रे काना हैसी मिसकेरी और मिसकेरेज ही हैसी मिसकेरेज बोले बतई थी फिटाल रो डेवलपमेंट होतबा फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर किछ एबनॉर्मल हला नॉर्मली से काना हेबा फिटस टा एस्क्रीट आउट ही जबा बाहर के बाहर ही जबा से प्रोसेस के मिसकैरेज कहा जैसी और मिसकेरी कहा जैसी तो 99% केस रे टर्नर सिंड्रोम केस रे मिसकेरी ही है मिसकैरेज ही है मींस से छुआटा बाथ फॉर्म रे बाहरी ना पारे लिविंग फॉर्म में लाइफ हेतिले इनो मेंशन कराई छे लाइफ लाइफ फॉर्म रे बाहरी ना पारे जीवंत तो अवस्था रे बाहरी ना पारे हला तो जदि बाहरी ना पाले बोले सेटा धरा ने जे तो हेतिले इनो मेंशन करे छे अबाउट 1 in 3,000 लाइव फीमेल बर्थ बोली करे बुझु छ ना किंतु 99 केस रे काना हैसी तार डेथ ही हैसी और मिसकैरेज हैसी केन टाइम रे फर्स्ट ट्राइमेस्टर केस रे और इन गुटे पॉइंट ते दला लास्ट पॉइंट ता टर्नर सिंड्रोम मेन मे कॉजेस अप टू 10% ऑल ट्राइमेस्टर मिसकैरेज ऑल ट्राइमेस्टर बेले काना सेटा लिविंग हो किंबा डेथ हो 10% देखा जायसी बेले यानो गुटे एम्ब्रियोटे जे कि तमर टर्नर सिंड्रोम होइचे आर लिविंग बर्थ हेबा लागि भी जाउचे तार केस रे भी 10% मिसकैरेज हेबार चांस होसे हला तो इटा गुटे डाटा टेस्ट शोर करबो मेनली जेतकी डाटा तो शोर करबार पॉसिबल नै से गुटे डाटा फर्स्ट पॉइंट टा शोर करले हेबा सेकंड पॉइंट टा ऑटोमेटिकली जना पड़बाय थर्ड टा नै शोर करले भी हेबा कि काहेला जे
ଇଟା ସୁଟ୍ ନୋଟ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ହେ ଆର୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ତ ବହୁତ କିଛି ହେ ହେଲା। ସେ ହିସାବରେ ତୁମର ଜେନେଟିକ୍ସ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପିଲେ ହେଲା। ତ ଇତାର ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସଟେ ବନେ ତ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ କେନ୍ତା ସୋର୍ କର୍ମା ଦେଖ ପିଲେ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଟର୍ନର୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଜେନେଟିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଇନୁ କାଣା ହେଲା ତମର ଜେନେଟିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ କେ ଏନ୍ତା ଲେଖିକରି ତମେ ସୋର୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ବି ତିନିଟା ଡିଜିଜ୍ ପଡ଼ବ କେନୁ କାଣା ହେସି ସୋର୍ କରବା ଲାଗି ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ କନ୍ସେପ୍ଟ ହେ ପିଲେ। ଗୋଟେ ପେପର୍ ନେବ ତିନି ଡିଜିଜ୍ର ଲେଖିଦେବ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କାଣା ବି ହେ ସବୁ କିଛି ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିଦେବ ଇଜିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ପିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତିନିଟା ସୋର୍ ହେଇଯିବା ଏକା ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ପଡ଼ବ ଟର୍ନର୍ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ପଡ଼ିଲ ଦେନ୍ ଟର୍ନର୍ ଯେନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ କାହାର ପରି କେନ୍ଟା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ। ତ ଟେଲି କରି କରି ପଡ଼ବ ବାୟୋଲୋଜିରେ ହେଇଟା ଯେନ୍ଟା କମ୍ପେୟାର ଜିନିଷ ଅଛି ହେଟା ଇଜିଲି ସୋର୍ ରହିସି ତ ତମେ ବି ହେନ୍ତା ହିସାବରେ ସୋର୍ କରବ ପିଲେ। ତ ୟାନି ଯେନ୍ତା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଲା ଇଟା ତାର ଜେନେଟିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ ହେ ଇତା ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ ଇଟେ ଆଉ ଇତା ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ ଇଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେ ତିନି କେସ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କମନ୍ କାଣା ଅଛେ ତିନିଟା ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି ଇ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର୍ଟା କେଁଥିରେ ହେଉଛି ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଡିଫରେନ୍ସ କାଣା କାହାନୁ କାଣା ହେଉଛି ଇଟା ଚାନ୍ସେସ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ରହୁଛି ଇକ୍ୱାଲି 50-50% ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏହାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଲା ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ୍ କେ ହେସି ଏଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ କେ ହେସି ଆଏ କି ନାଇଁ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଲା ଲାଷ୍ଟ କେ କହିଲା ଦେଖ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କାଣା ହେଲା ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଓଟୋଜୋମ୍ ତ ଇତାକେ 21 ଟ୍ରାଇଜୋମି କୁହାଯାଏସି ନା 21 ଟ୍ରାଇଜୋମି ବେଲେ କାଣା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର ଏଡ୍ ହେଲା ତ ଇନୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ବି ଲେଖିପାରବ ତ ଇନୁ କେତେ ହେଇଗଲା 47 ହେଇଗଲା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର। ଇନୁ କେନ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବଢ଼ିଛି ଇନୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଇଛି ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଓଟୋଜୋମ୍ ବୋଲିକରି। ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଲା କାଣା ହେଲା ଡିଲିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମିନ୍ସ ଡିଲିଟ୍ ବେଲେ 100 ହେଲା ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 45। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର ବି କମ୍ପେୟାର କରିପାରବ ନା ଲେଖିତେ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ। ନେକ୍ସଟ କାଣା ହେଲା ଦେଖ ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତ କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟେ ଏଡ଼୍ ହେଲା ବେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏଗେନ୍ 47 ହେଲା ତ ଦୁଇଟା 47 ହେଲା ଯଦି କମ୍ପେୟାର କର୍ମା କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଆଉ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ବଟ୍ ଇନୁ କାଣା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଓଟୋଜୋମ୍ ବଢ଼ିଲା ଏଇଟା ସୋର୍ କରିବ ଆଉ ଇନୁ କାଣା ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବଢ଼ିଲା ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ। ଏଡିସନ୍ ଦୁଇ ନୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେନ୍ତା ପଡ଼ିଲା ତ ଇ ହିସାବରେ ଦେଖ କେତେଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ଇଟା ତ କମ୍ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଇହାନେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯଦି ଦେଖମା କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ରେ କାଣା ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଗେଫୋରା ହେସି ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହରମୋନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେସି କିଛି ଅଛେ କି ନାଇଁ। ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ ତାର ୱେବ୍ ନେକ୍ ଯେନ୍ତାକି ତମର ଲୋ ସେଟ୍ ଇୟାର୍ ବ୍ରଡ୍ ଚେଷ୍ଟ ୱାଇଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନିପଲ୍ସ ଇଟା ଅଛେ କି ନାଇଁ। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ ତମର ହେଇଟା ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ର ଡ୍ରାଉଜିନେଜ୍ ସ୍ମାଇଲି ଫେସ୍ ଅଛେ କି ନା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ସ ତ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ସ ସରି ସିମ୍ପଟମ୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସର ବି କମ୍ପେୟାର କରିପାରବ। ତ ଡିଫରେନ୍ସରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖବାର ପଡ଼ସି ପିଲି 3.5 ମାର୍କା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିସି ତମେ କିନ୍ତୁ 4-5ଟା ହେଲା ଲେଖ୍ବ ଅର୍ ଯେନ୍ଟା ଦେଇଥିବା କଥା ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ଦେଇଥିବା କେନ୍ତା ଲେଖିପାରବ ତ ଇନୁ ବହୁତଟେ ବାହାରବା ତ ଇଟା ଲେଖିକରି କମ୍ପେୟାର ପଡ଼ବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେନ୍ତା ପଡ଼ସି ଦେଖ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଅର୍ ଟର୍ନର୍ କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଅର୍ କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ସାଙ୍ଗେ ତମର କାଣା ଦେଇଦେବା ଡାଉନ୍ ଏନ୍ତା ଉଲ୍ଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ପକେଇ ପାର୍ବା। ତ ଇଟା ବହୁତ ଫୋକସ୍ଡ କରବାର ମିନିଂ ହେଇଟା ଏପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା। ସବୁ ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ 1 ମାର୍କ ଆର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୁରା 5-7 ମାର୍କ ତକ୍ ବି ପଡ଼୍ସି ହେଲା ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ। 5-7 ମାର୍କ ବି ପଡ଼୍ସି ଯଦି ଜଣେ ଛୁଆ ଇ ଡିଜିଜ୍ ମାନେ ବି ସୋର୍ କରିଦେଲା ଯଦି ପଡ଼ିଯାଉଛେ ବେଲେ ତାର ମିନିମମ୍ 7 ମାର୍କ ଇନୁ ଆଇଗଲା। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୁଡ଼େ କରିଦେଲ 7-7-14 ଇଆଡ଼େ 7 ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ। ମିନିମମ୍ ହେନ୍ତା 24-25 ବି ପାଇଯାଉଛ ହେଲା। ତ ଇଟା ସରିଲା ତମର କ୍ରୋମୋସୋମାଲ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର୍ ଅର୍ କହିପାର୍ମା ତମର ସରିଗଲା ତମର କାଣା ଜେନେଟିକ୍ସ ଜୁଲୋଜିର ଯେନ୍ ଜେନେଟିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ସରିଗଲା। ତ ଇଟା ତମର କେନ୍ ଚାପ୍ଟର୍ ଥିଲା ଚାପ୍ଟର୍ 3 ଥିଲା ନା ଇ ଚାପ୍ଟର୍ 3ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ର ଚାପ୍ଟର 4 ଯେନ୍ଟା ତମର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛେ ସେଟା ପଢ଼୍ମା ବୋଲି ହେଲା। ତ ଜେନେଟିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ଇନୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟଟା ଦେଖ୍ମା। ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ ଆର୍ ମୁଇଁ କିଛି କିଛି ତମର କାଣା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଇନୁ ଦେମି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ କରବ ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗା ଜାଣା କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା
ମେସେଜ କରିପାର ଗ୍ରୁପରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବି ମେସେଜ କରିପାର ହେଲା। ଡାଉଟ ପଚାର ପିଲେ ନାଇଁ ପଚାରାଲ ବେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବା ହେଲା। ଡାଉଟ ନାଇଁ ରଖ ତ ତମର ତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ସୋର କରିବାର ପଡ଼ବା ହେଲା। ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଇମାଜିନ୍ କରି ନାଇଁ ପାର ପିଲେ କେନ୍ଟା କାଣ ହେବା ହେଲା। ତ ଏଇଟାକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଇକରି ପଡ଼ବ ଆର୍ କମ୍ପେୟାର କରି କରି ପଡ଼ବ ବେଲେ ଜାଣିପାରବ କାଣା କାଣା ଏ ଡିଜିଜ୍ଟା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ହେଲା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପଟାମି ପିଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେବାବ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଟା ଦେଖ୍ବ ତାପରେ ଜାଣିପାରବ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାଣା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ପିଲେ।